हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 31 मार्च 2020 के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में और दूसरा डिस्कस करूँगा FRBM एक्ट के बारे में। FRBM एक्ट छोटा सा है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या है कि अभी COVID-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से हर स्टेट को कुछ ना कुछ अपने फंड जो स्टेट का फंड होता है उससे कुछ पैसे निकालने पड़ रहे हैं। तो केरला गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे निकालने पड़ रहे हैं और वो अमाउंट है करीब 12,500 करोड़ रुपए का। तो इतने करोड़ रुपए निकालने के बाद जो उनका घाटा है, जो राजस्व घाटा है, वो 3% की जो लिमिट होती है उससे ऊपर चला जाएगा। ये 3% की लिमिट क्या होती है, हर स्टेट में टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसी टैक्स से उस स्टेट का डेवलपमेंट किया जाता है। अब होता क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी को या किसी स्टेट की इकोनॉमी को हेल्दी रखना है तो उसका इंडिकेटर या उसका संकेतक ये होता है कि जो हमारा घाटा है वो हमारी टोटल जीडीपी का 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन 12,500 करोड़ रुपए अभी अप्रैल के महीने में ही केरला गवर्नमेंट को निकालने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि उनका जो चालू खाता घाटा है इस साल का वो 3% की लिमिट से भी ज़्यादा चला जाएगा। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इस वजह से केरला गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये विनती की है, ये कहा है कि हाँ आप इस चीज़ को जरा इस पे आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाइए कि हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे और हमारा चालू खाता घाटा थोड़ा बढ़ जाएगा 3% से। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त मांगी है ताकि वो 12,500 करोड़ रुपये निकाल कर अपने लोगों की COVID-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है उसमें उनकी अपने प्रदेश की जनता की वो हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये FRBM एक्ट के अंतर्गत आता है, आपका जो चालू खाता घाटा वाली चीज़ें हैं और ये जो कंडीशन है कि 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटल जीडीपी का, ये सारा का सारा FRBM एक्ट के अंदर आता है। ये इसीलिए बनाया गया है एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, वो डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो एडवाइजरी देती है। अगर उस एडवाइजरी के अंदर आप काम नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्टेट से पूछा जाता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि केरला गवर्नमेंट ने खुद ही पूछ लिया कि हमारी तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें पैसे निकालने ही पड़ेंगे। तो ये FRBM एक्ट का नाम याद रखिएगा और केरला गवर्नमेंट में इन्होंने ये थोड़ा सा मांगा था, लीनियंसी मांगी है, लीनियंट होने को कहा है गवर्नमेंट से, तो ये याद रखिएगा केरला गवर्नमेंट और FRBM एक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ आइटम शेयर किया था आपसे जिसमें मणिपुर के एक विधानसभा के सदस्य हैं जिनका नाम है टी श्याम कुमार, उन्होंने पहले अपनी पार्टी कांग्रेस थी उनकी, उसको छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये है डिफेक्शन यानी दल बदल। तो जब भी दल बदल होता है तो दल बदल कानून एक्टिव हो जाता है और आप उसके अंडर पनिशेबल हो जाते हो। अब हम ये देखते हैं, सिंस ये काफ़ी न्यूज़ में है तो आप ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो जिसके अंतर्गत आपको दल बदलू माना जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन है नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। आपको पता है कि राष्ट्रपति कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में नॉमिनेट करते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल कुछ मेंबर्स को प्रदेश की जो विधानसभा होती है उसमें नॉमिनेट करते हैं। तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, जिसको कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था, जब भी नॉमिनेट किया था उसके 6 महीने के भीतर अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है वोट इन पार्लियामेंट। सपोज करो कोई बिल आया पार्लियामेंट में, दूसरी पार्टी बिल लेकर के आई है जो सत्ता में है, हमारी पार्टी जो कि सत्ता में नहीं है, हमने क्या कहा कि मेरे जो मेंबर्स थे, मेरी पार्टी के जो मेंबर्स थे, उनको बोला कि हम तो अगेंस्ट में वोट देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हम वहां वोट देने गए अगेंस्ट में, तो हमारे यहां से किसी बंदे ने क्या किया कि उसके फेवर में वोट दे दिया, यानी हमारे अगेंस्ट चला गया। उनके फेवर में वोट देना यानी हमारे अगेंस्ट जाना। तो हमारे अगेंस्ट जब चला गया और हमने क्या किया कि आने वाले 15 दिनों तक उसको माफ़ी नहीं दी, इस बात के लिए उसको माफ़ नहीं किया, एक लिखित स्टेटमेंट देना होता है, रिटर्न स्टेटमेंट कि हाँ हमने इनको इस गलती के लिए माफ़ कर दिया है। तो अगर ऐसा नहीं किया है तो 16वें दिन से वो बंदा जिसने कि हमारे पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट जाके स्टैंड लिया, हमारी पार्टी को बिल के अगेंस्ट जाना था, उसने फेवर में वोट दिया, तो इस केस में क्या होगा, वो डिफेक्टेड हो जाएगा 16 दिन के बाद अगर हमने माफ नहीं किया है 15 दिन के अंदर तो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर्स। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो निर्दलीय होते हैं, तो निर्दलीय मेंबर अपने आप चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते। और क्या होता है, अगर वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गए, जीतने के बाद अगर उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो भी क्या होंगे, डिफेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा होता है मास मूवमेंट टू अदर पार्टीज। सपोज करिए कि हमारी पार्टी में 30 मेंबर्स हैं, 30 का 2/3 जरा निकालिए, 2/3 कितना होगा, 20।
अगर दो तिहाई मेंबर्स मेरी पार्टी से निकल करके कोई नई पार्टी बनाते हैं या किसी नई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में ये 2/3 मेंबर्स डिफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। 30 में से 20 लोग अगर जा रहे हैं या 20 से ज्यादा जा रहे हैं तो वो डिफेक्टेड नहीं होंगे, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2/3 से कम है, अगर 19 लोग हैं, 30 में से 19 लोग जा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो ये 19 लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आएंगे और इन सब की सदस्यता जा सकती है, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस हैं, ये चार कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ऊपर नीचे करके घुमा फिरा करके दे कैन आस्क दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सो इन दैट केस यू मस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फोर कंडीशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसका नाम आप याद रखिएगा लगे हाथों, ये भी मैंने लिख दिया बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा, अभी के लिए आप इसको याद रखिए। तो ये दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है और वो इन चीजों पर भी विचार करती है चुनाव सुधारों के अंतर्गत। चुनाव सुधारों में बहुत सी चीजें आती हैं, एंटी डिफेक्शन वगैरह सब कुछ आता है। तो ये कमेटी बनाई गई थी जो चुनाव सुधारों को लेकर के ओवरऑल डिस्कशन करती है, ओवरऑल अपने विचार रखती है, उस पर काम करती है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी इसको लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस यही दो आइटम्स हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।